नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य भान आप सबको अपने YouTube चैनल स्किल टेक में स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया आपका, हर प्रकार के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। जो भी अगर क्वेश्चन आपको डाउट है तो हमारा WhatsApp नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, जवाब आपको मिल जाएगा। आज जो हम पढ़ेंगे वो साधारण ब्याज पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमें पढ़ना है तो क्वेश्चन हम क्रमवाइज दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज का आप देखिए, आपको पहले क्वेश्चन बताने से पहले फॉर्मेट आपको बता देते हैं। साधारण ब्याज होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। साधारण ब्याज, जैसे किसी धन को आप बैंक से या किसी से लेते हैं तो कुछ समय के लिए आप उस धन को लेते हैं, उस धनराशि को लेते हैं, उसके बाद उस पर आपको देना पड़ता है ब्याज। जो आप उस लिए गए धन से अतिरिक्त धन देते हैं वह होता है ब्याज, ठीक। और वह ब्याज आपका होता है समय और प्रतिशत दर के गुणनफल के प्रतिशत में आपका होता है। जैसे आपको देखिए दिया है साधारण ब्याज आपको चाहिए, तो साधारण ब्याज बराबर आप लिख सकते हैं साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100, ये आपका होगा साधारण ब्याज। इसे SI बोलते हैं, मूलधन को प्राइमरी अमाउंट बोलते हैं, आपका दर रेट हो गया, और ये आपका हो गया T अपान 100, या आप लिखते हैं PRT अपान 100, ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। एक ही फॉर्मेट आपका है, इसके अलावा और जो बनते हैं वो आपके क्वेश्चन के नेचर पर निर्भर करता है कि आप पूछना क्या चाहता है, वो सब सारे शॉर्टकट होते हैं जो इसी से बनते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम आपको बताएंगे उन सब चीज़ों के बारे में, तो बिटा दे इसे, जिसको लिखना हो लिख सकता है, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपको देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि 6000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। जो हमने आपको अभी फॉर्मेट बताया सिर्फ पहले क्वेश्चन में हम लगाएंगे, आगे के सारे क्वेश्चन अलग प्रकार से करेंगे। देखिए अगर हमें SI चाहिए, आपका हो गया 6000 रुपये मूलधन गुणे दर 6% वार्षिक है, समय जो आपका है वो वर्ष में ना देकर माह में दिया है, 8 माह दिया है, 8/12 कर देंगे और बटे 100 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे, आपका हो जाएगा 6000 × 6 × 8 / 100 × 12, ये 6 से कैंसिल होगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 से कैंसिल होगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6×24 240 रुपये उसका हो जाएगा। ये सही, यानी कि साधारण ब्याज। और आपको मिश्रधन भी चाहिए, मिश्रधन आपका जो होता है मिश्रधन सब मूलधन और ब्याज का योग होता है। मिश्रधन भी लिख लीजिए, मिश्रधन आपका हो जाएगा मिश्रधन मूलधन और प्लस ब्याज, ये आपका हो जाएगा। मूलधन कितना था 6000 रुपये और प्लस ब्याज 240 रुपये, कितना हो जाएगा ये 6240 रुपये मिश्रधन आपका हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को हम अलग प्रकार से करते हैं तो आपको फॉर्मेट रटे रहते हैं, नहीं भूल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता, नहीं कर पाते हैं आप क्वेश्चन को। आप देखिए आप अच्छे से कर ले जाएंगे, एक ही बार में आप क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आपको दिया 6% वार्षिक और 8 माह, बस माह को आपको चेंज करना, 8 माह को आप वर्ष में करिए तो 8/12 लिखेंगे और ये आपका हो जाएगा 2/3। तो आपका समय और दर का गुणनफल कितना हो जाएगा 6×2/3, तो ये कितना हो जाएगा 4%, कितना हो गया 4% हो गया, बात समझिए 4%। तो अगर हमें ब्याज चाहिए तो जो ये आपको 6000 दिया है, ये आपको दिया है 100% का मान, कितना दिया है 6000 रुपये, हमें सिर्फ 4% चाहिए, तो 4% का मान कितना हो जाएगा 6000/100 और × 4 हो जाएगा, कितना हो गया ये 240 रुपये, बात समझ गए 240। हमें मिश्र धन चाहिए 100 ये होगा और 4% ये, हमें 104 का मान चाहिए, 104 बराबर अभी अभी एक आप निकाले हैं, एक बराबर निकाले होते तो आपका आता 60, ये आपका हो जाएगा 60×104, कितना हो जाएगा ये 0, 4, 2 और 6, इतना हो गया आपका 6240 रुपये हो जाएगा, बात समझ गए। इतना आसानी से आप क्वेश्चन फिर से एक बार बता दें, 6% ये है और समय आपका 2/3 वर्ष में आप पहुंच गए इस समय, ये आपका हो गया वर्ष में, ठीक।
2/3 वर्ष गुणा कर लीजिए, 6 × 2/3 कितना हो गया, 4%। 4% आपका ब्याज होगा, 100 अगर होगा मूलधन तो 100 आपका है 6000 के, 4 आपका हो जाएगा 240 के, इसलिए 104 हो जाएगा, 6240 के। आगे के सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे, बात समझ गए, मिटा देते हैं इसे और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, 2500 रुपये 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन। 2500 रुपये है मूलधन, तो एक बार फिर से बेसिक कर देते हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपका साधारण ब्याज जैसा ही बराबर हो जाएगा PRT/100, मूलधन कितना दिया है 2500 रुपये, दर कितना दिया है 5%, और समय दिया है 219 दिन, 219/365, ये आपका हो गया। जैसे आपको दिन दिया है 219 दिन, तो इसे अगर आप वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से भाग कर देंगे, ये आपका हो जाएगा वर्ष में आ जाएगा, ठीक, इतना वर्ष आपका हो गया, इसलिए चेंज कर लिए। ऐसे भी जो आगे का क्वेश्चन आया था मंथ में था, तो हमने 12 माह से भाग किया था, इतना हो जाएगा और बटे आपका हो जाएगा 100। साफ कर लीजिए, आपका हो गया 2500 × 5 और × 219 और बटे में 100 × 365। इसको सॉल्व करेंगे, आपका 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, ये 5 से कैंसिल करेंगे, आपका हो जाएगा 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, 73, 3 से आप भाग करिए, 3 बार जाएगा, ये आपका हो गया 73 दिया 219, गुणा हो जाएगा आपका 75 × 25 = 75 रुपये, कितना हो गया आपका ब्याज, 75 रुपये आपका हो गया ब्याज, बस समझिए 75 रुपये हो गया ब्याज। अगर हमें से यहाँ पर मिश्रधन पूछा होता तो मिश्रधन कुछ नहीं करना है, अगर आपसे अमाउंट पूछता मिश्रधन P+SI या साधारण ब्याज इंटरेस्ट, आपका हो जाएगा 2500 और प्लस 75, कितना हो जाएगा ये आपका 2575 रुपये हो जाएगा, बस समझ गए 2575 रुपये हो जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन में जैसे पहला क्वेश्चन सेकंड मेथड बताया वैसे ही करेंगे, ठीक, मिटा दें, मिटा देते हैं, इसको भी वैसे ही कर लेते हैं। देखिए आपको दिया है 5% वार्षिक और आपको दिया है 219 दिन, ये आपको दिन में दिया है, इसको चेंज करेंगे 219/365 हो जाएगा, इसलिए ये आपका गुणनफल कितना आ जाएगा, 5 × 219/365, ये आपका हो गया, ये कैंसिल होगा, ये आपका हो जाएगा 3% हो जाएगा, 3% हो जाएगा, 3% का मान आपको चाहिए, 100% का मान आपको पता है, 100% का मान आपको दिया है 2500 रुपये, इसलिए 1% कितना हो जाएगा 25 रुपये होगा, इसलिए 3% कितना हो जाएगा 25 × 3 हो जाएगा, कितना हो गया 75 रुपये हो गया, बस समझ गए 75 रुपीज हो जाएगा ब्याज। मिस्टर धन पूछता तो हम किसका मान निकालते, 103 का निकालते, आप कर लेंगे, मैं छोड़ दे रहा हूँ इसी पर। आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये मेथड सबसे अच्छा है और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको दिया है 9000 की धनराशि 18% वार्षिक साधारण की ब्याज की दर से, 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज होगा, 18% लग रहा है, 18% और 5 वर्ष के लिए, तो हम कहें एक ही वर्ष में कितना परसेंट लगेगा, 18 × 5 हो जाएगा 90% जो आपका ब्याज होगा, और 90% का होगा आपको 100% का मान दिया है 9000 रुपये, इसलिए 1% का मान हो जाएगा आपका 90 रुपये, इसलिए 90% का मान आपका हो जाएगा 90 × 90, 81 × 00, इतना आपका हो जाएगा साधारण ब्याज, 90% ब्याज हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा साधारण ब्याज, बात समझ गए, इतना हो गया आपका साधारण ब्याज, मिटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4, जी एक्स तथा वाई दो समान राशियां 7.5% की ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार लिया है, दी गई राशि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर होगा, तो प्रत्येक की धनराशि कितना है, ये आपका है, एक जगह जो आपका है वो ब्याज की दर है 7.5% और उस समय उसका समय कितना है 4 वर्ष है, 4 वर्ष
यहाँ पर भी दर आपका 7.5% है और यहाँ पर समय कितना है 5 वर्ष है। आप समझ रहे हैं दोनों जगह से जो अमाउंट लिया गया है वो बराबर बराबर लिया गया है, यहाँ से मूलधन पे लिया गया है, यहाँ से मूलधन पे लिया गया है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर जो 1 वर्ष के लिए ब्याज अगर दर की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा 7.5 × 4, ये कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व कर लीजिए आपका 4×5 = 20 और 7×4 = 28, 28×2 = 30, ये आपका हो जाएगा 30.0। इसको आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 और 5×7 = 35, 2 = 37, 37.5 हो जाएगा, इतना हो गया। अब आपको ब्याज का अंतर जो दिखाई पड़ेगा ये 30%, ये 37.5%, जो प्रतिशत में अंतर है वो सिर्फ 7.5 का अंतर है, 7.5 का अंतर है, यहाँ पर देखिए 7.5 का अंतर है, यही प्रतिशत ब्याज में अंतर दिखाई पड़ेगा। 7.5%, 7.5% जब होता है तो 150 रुपये का अंतर आ जाता है, तो करना ही आपका हो जाएगा 1% बराबर 150/7.5। आगे सॉल्व करेंगे तो इसे हो जाएगा 1500/75, 1 दशमलव यहाँ से हटाएंगे, 1 दशमलव पीछे खिसकाएंगे तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 रुपये, 1% बराबर, इसलिए मूलधन कितना रहा होगा 100%, तो 20 × 100 हो जाएगा, कितना हो गया 2000 रुपये हो जाएगा, हुआ 2000 रुपये, ये आपका हो जाएगा 2000 रुपये। बात समझ गए, इतना हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, कितना आसानी से आपने कर लिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए, 7.5% की दर से यहाँ पर भी, 7.5% की दर से यहाँ पर भी, ये 4 वर्ष के लिए है, ये 5 वर्ष के लिए है, और आगे आपका जब इसका गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7.5 × 4, 30 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 37.5 हो जाएगा। मूलधन बराबर दिया गया है, जो अंतर दिखाई पड़ेगा वो प्रतिशत की दर से अंतर दिखाई पड़ेगा, 7.5% का अंतर है, 7.5% का जो अंतर है 150 रुपये है, इसलिए 100% जब आपका आएगा तो वो मूलधन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000 रुपये हो जाएगा। बात समझ गए हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आज का, क्वेश्चन आसानी से आप कर ले जा रहे हैं और वीडियो आप देख रहे हैं तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, जिससे आगे अभी जल्दी हमारा नया मेथड आएगा, फास्ट ट्रैक मेथड, परसेंटेज से शुरू करेंगे एकदम नए प्रकार से और बहुत तेजी से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, लेकिन वो आप सीटेट और टेट के लिए नहीं होगा, आगे और वनडे एग्जाम के लिए होगा, क्योंकि अभी आपका सीधा तुरंत एग्जाम है तो आपको नए मेथड सीखेंगे तो टाइम लगेगा, आगे आप सीख लीजिएगा, उसको भी पढ़िएगा और लोगों को शेयर करिएगा। अभी जो आप कर रहे हैं ये भी थोड़ा अलग हम बता रहे हैं, PRT 100 से नहीं कर रहे हैं वही, लेकिन थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया इसको। तो आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन आज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको लिखा, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये होगा। वहां पर जो आता था वो समय और दर दोनों आता था, इसलिए उसको हम गुणा करके बराबर कर ले रहे थे। यहाँ पर हमें दर नहीं मिल रहा है, समय ये 12% वार्षिक आपका है, समय नहीं मिल रहा है, आपको समय होता तो हम कर लेते, लेकिन समय नहीं मिल रहा है तो आपको SI बराबर PRT/100 लगाना पड़ेगा, ठीक, ये आपका है। तो SI आपको दिया है 1080 रुपये, मूलधन आपको दिया है 3000, दर आपको दिया 12%, समय नहीं दिया है, बटे 100 कर देंगे, आपको समय पता चल जाएगा, टी बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 दो कैंसिल, इसलिए टी बराबर हो जाएगा 1080/30 और × 12 हो जाएगा। साल्व जरा करिए इसे, ये आपका यहाँ से कैंसिल और ये आपका हो जाएगा 36 और 3 बार जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 108, तो ये आपका हो गया 3 वर्ष, ठीक, 3 वर्ष हो जाएगा आपका, 3 वर्ष आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है वो आपको दिया, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज, उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। दोनों का SI बराबर है, तो दोनों का SI बराबर है तो आप कहेंगे SI1 बराबर SI2, इसलिए P1 R1
T1 अपॉन 100 लिखिए या मत लिखिए, लिख दे रहे हैं भी हटा देंगे, P2 R2 T2 अपॉन 100 हो जाएगा, होगा दोनों का ऐसा ही बराबर है। तो 100 आने का कोई रोल नहीं था, लिख दिया हमने, हटा भी दे रहे हैं, ठीक ये आपका हो जाएगा। तो रख लीजिए आपका हो जाएगा 8000 पहले दिया है, और वहाँ पर दर आपको दिया 3%, समय नहीं दिया यही पूछ रहा है। दूसरी जगह सब कुछ आपको दे रखा है, 6000 रुपये दिया है, और ये 4% दर की दर से है, 5 वर्ष का ब्याज है, ये आपका है। तो T1 बराबर आपका हो जाएगा 6000 गुणे 4 गुणे 5 बटे में 8000 और गुणे 3 हो जाएगा। ये 3 जीरो कैंसिल आपका, 3 से ये 2, इसलिए ये आपका 8 और आपका हो जाएगा 5 वर्ष, हो गया 5 वर्ष, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि दोनों का साधारण ब्याज क्या था, इक्वल था, बात समझ गए, मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 6 हमने कर लिया, 7 देखिए, कम से कम वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से जो ब्याज होगा वो पूरे रुपए में होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि जो SI होता है वह आपका PRT/100 होता है, मूलधन दर और समय का गुणनफल होता है, ये आपका हुआ। तो ये आपका 2600 रुपये, जो आपको रेट दिया है वो आपका हो जाएगा यहाँ 18 2 20/3, और ये आपका समय नहीं दिया है, समय को ऐसे रखना, 100 कर लीजिए, ये आपका 2 जीरो यहाँ कैंसिल होगा, इसलिए आपका जो आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 26 गुणे 20/3 और इनटू आएगा 3। अब आप बताइए ये पूर्ण रुपए में कब आएगा, क्या 3 से यहाँ कोई वैल्यू कट रही है, नहीं कट रही, ना तो आपका 26 कटेगा ना तो 20 कटेगा। अगर मान ले रहे टी का मान 1 है तो भी ये दशमलव में आएगा, टी का मान 2 है तब भी दशमलव में आएगा, क्योंकि 2 आने पर भी 3 से वैल्यू कटेगी नहीं। जब टी का मान 3 होगा उस समय इसका मान 1 पूर्ण मान आएगा, देखिए लिख भी देते हैं आपका, आपका 26 गुणे 20/3, टी का मान 1 लेंगे तब भी ये वैल्यू जो अंश में आ रही है नहीं कटेगी। अगर आप 26 गुणे 20/3 गुणे 2 लेंगे तब भी जो अंश में मान आ रहा है वो नहीं कटेगा, तो ना आपका 1 हो सकता है टी का मान, ना तो 2 हो सकता है, इसलिए 26 गुणे 20/3 और गुणे 3, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये एक पूर्ण मान आ जाएगा, रुपए में आ जाएगा, पूर्णांक रुपए में, पैसे में नहीं जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक। तो टी का मान कितना हो जाएगा इस समय, 3 हो जाएगा, ये आपका टी का मान हो जाएगा 3, बात समझ गए, टी का मान कितना जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, अच्छा लग रहा आप लोगों को, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, आपका कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से किस दर से दुगना हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसके लिए हमें एक फॉर्मेट लिखेंगे, आपको शॉर्टकट लिखेंगे, उसी का यूज करिए। दुगना हो जाएगा साधारण ब्याज की दर से किस दर से दुगना हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन उसका दुगना हो जाएगा। तो आप लिखेंगे RT बराबर N-1 × 100, RT बराबर N-1 × 100, आपको दिया 8 वर्ष तो R लिख लीजिए, T का मान दिया 8 वर्ष, दुगना करना है 2 - 1 और गुणे 100, इसलिए R बराबर आपका हो जाएगा 100/8, ये कितना जाएगा आपका, ये 2 और ये 25, इसलिए 12 सही 1/2% आपका हो जाएगा आंसर, 12 सही 1/2% आपका हो जाएगा आंसर, आप समझ रहे हैं। 8 वर्ष में साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज की दर से कोई धन दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाना, साधारण ब्याज दुगना हो जाना अलग बात है, पूरा धन दुगना हो जाना यानी कि मिश्र धन दुगना हो जाना, उस समय आप इसे लगाएंगे RT बराबर N-1 × 100, हो जाएगा क्वेश्चन, मिटा दे रहे हैं इसे भी। आगे क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अच्छा लग रहा आप लोगों को, मजा आ रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आपका क्वेश्चन है।
मूलधन का 1/4 उसका साधारण ब्याज है, तो आपको साधारण ब्याज 1/4 है, इसलिए SI बराबर PRT/100, ये आपका क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि अगर साधारण ब्याज 4 रुपये है तो उस आपसे कह रहा है कि अगर मूलधन आपका 4 रुपये है तो साधारण ब्याज 1 रुपये है, मूलधन अगर आपका होगा 4 तो आपका SI हो जाएगा 1। और एक चीज बता दे रहे हैं, आपका SI/P जो होगा वह 1/4 होगा। यहाँ से कह रहा मूलधन का 1/4, 1/4 का मतलब ये आपका हुआ मूलधन और ये आपका हुआ SI, समझ रहे हैं, ये आपका दे रहा है, तो ये 4 ये 1, R का मान R ही है और T का मान भी R है, बटे में आपका हो गया 100, तो आपका हुआ 100/4 = R2। इसलिए R बराबर आपका हो जाएगा 25 अंडर रूट में, इसलिए ये आपका हो जाएगा 5%, बात समझ रहे हैं, 5% हो जाएगा आपका R, बात समझ गए हैं आप लोग, आगे बढ़े। चलिए मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका है 10। कोई धन साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, कर लेंगे आप क्वेश्चन। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 ही आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताया था कि RT बराबर N-1 × 100, ये आपका है 30 वर्ष में 3 गुना हुआ है, तो R × 30 = 3-1 × 100, R बराबर आपका हो जाएगा 3-1, ये आपका हो जाएगा 2×10, 2×100 बटे में 30, सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 20/3, आगे 6 सही 2/3%, ये आपका होगा 6 सही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा, बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 आज का हो गया, आज की सीरीज में क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन उन्होंने कर लिया, आगे फिर से हम साधारण ब्याज में मिलेंगे सीटेट और टेट के लिए, और एक पार्ट और हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसी को रट लीजिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आए, हम ये नहीं कह रहे यही डिजिट आएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आप सबका सब क्वेश्चन कर ले जाएंगे, हमने आज अच्छे से आपको क्वेश्चन करा, पूरे मन से करा, मेहनत से करा है क्वेश्चन को, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, धन्यवाद।